लंदन अटैक के बाद टीम इंडिया के होटल की सुरक्षा सख्त, आसपास ट्रैफिक बैन। ब्रिटेन की कैपिटल लंदन में शनिवार रात हुए आतंकी हमले के बाद बर्मिंघम में भारतीय क्रिकेट टीम जिस होटल में ठहरी हुई है वहां की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। होटल हयात रिजेंसी के आसपास लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी के तहत बर्मिंघम के एजबास्टन क्रिकेट ग्राउंड पर रविवार दोपहर भारत और पाकिस्तान के बीच अहम मुकाबला कुछ घंटों बाद शुरू होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद से बर्मिंघम को रेड अलर्ट पर रखा गया है। हयात रिजेंसी होटल में किसी भी बाहरी शख्स और गाड़ियों के जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। किसी विजिटर्स को भी होटल के अंदर जाने की परमिशन नहीं है। बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच डिप्लोमेटिक टेंशन इन दिनों काफी ज्यादा है। दोनों देशों की टीमों के बीच मैच का भी विरोध किया जा रहा है। बर्मिंघम के एजबास्टन क्रिकेट ग्राउंड पर दोनों टीमों के बीच मैच होना है। बर्मिंघम की लंदन से दूरी करीब 160 किलोमीटर है। एजबास्टन ग्राउंड पर भी सिक्योरिटी कड़ी। एजबास्टन ग्राउंड के आसपास के इलाके में भी सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। भारत पाक के बीच मैच के दौरान तनाव काफी बढ़ जाता है। सपोर्टर्स के बीच हाथापाई की भी आशंका होती है, लिहाजा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स कोई चांस नहीं लेना चाहते। बर्मिंघम पुलिस ने बयान जारी कर कहा है कि ऐसी सूचना है कि एक रोड पर कोई घटना हुई है, लेकिन वे सिर्फ अफवाह है। पब्लिक सेफ्टी के लिए सारी रोड्स बंद कर दी गई हैं। BCCI और PCB को अलर्ट किया गया। भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को आतंकी हमले की आशंका के चलते अलर्ट किया जा चुका है। BCCI सोर्सेज का कहना है कि इंटेलिजेंस यूनिट्स मैनचेस्टर और लंदन अटैक के बाद कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। दोनों टीमों के ऑफिशियल्स को मीडिया से भी दूर रहने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है, क्योंकि इससे तनाव बढ़ सकता है। ICC की तरफ से एक बयान जारी कर सभी प्लेयर्स और ऑफिशियल्स को सख्त सिक्योरिटी का भरोसा दिलाया गया है। बयान में कहा गया है, खतरों के मद्देनजर हम अथॉरिटीज के साथ मिलकर सिक्योरिटी रिव्यू करते रहेंगे, इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। लंदन में 6 लोग मारे गए। लंदन ब्रिज पर शनिवार रात पैदल चल रहे लोगों पर एक शख्स ने वैन चढ़ा दी। 2 अन्य इलाकों में भी हमले किए गए। पुलिस ने इन्हें आतंकी हमला करार दिया है। 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए। 3 आतंकी मारे गए हैं। करीब 2 हफ्ते पहले मैनचेस्टर में हुए फिदाइन हमले में 22 लोगों की मौत हो गई थी और 120 लोग जख्मी हुए थे। Thank for watching. Subscribe now to receive new updates every day. And don't forget to drop a like, leave a comment.